हाँ जी, तो वेलकम टू आर न्यू व्लॉग। क्या हाल है सभी के? आई होप सब अच्छे होंगे। एंड अभी व्लॉग स्टार्ट हो गया हमारे कैमरे से, तो कैसा लग रहा हूँ? एक मिनट, एक चीज और करें। एक कैदर क्या, ये देखो ये भाई साहब, मतलब अब ऐसे 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 करने का जो मजा आएगा ना, मजा आएगा। बाकी कहने के बाद कंप्यूटर हो गया। अभी पीसी लेके आया था, सच मैंने व्लॉग का तो एंड ही नहीं किया, दूसरे वाले का जो अभी डालना है। मतलब ये भी स्टार्ट हो गया ऐसे, जैसे मतलब कि बस हो गया जैसे मर्जी। तो अब से व्लॉग होगा इसके ऊपर, और ज़रूर बताना कि इसमें और उसमें अंतर था कि नहीं था। यार मेरी तरफ से तो है भाई, मेरे को तो लगेगा वैसे, क्योंकि मैंने तो खर्चा किया है ना, तो मेरे को लगेगा कि हाँ भाई इसमें से क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, जो इसमें थी इससे तो बहुत ज़्यादा उस क्वालिटी में। बाकी यार अभी मेरे को एक्साइटमेंट, बाकी सब बढ़िया। अब देखो मतलब इस टाइम पे जो क्वालिटी मेरे को मिल रही है, अभी अंधेरा रात हो चुकी है, इस टाइम पे क्वालिटी मिल रही है तो भैया और क्या चाहिए, दिन में तो ऑटोमेटिकली बढ़िया हो जाएगी, सही कि नहीं? तो बाकी ऑल गुड। पापा जी पूजा कर रहे हैं, नाना जी का फ़ोन आ गया, मेरे छोटे छोटे भाइयों का फ़ोन आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, सभी को बताइयाँ। और जो भैया जी गए थे, भाभी जी, हर्षु, सारे आ गए, और हमारे एक सब्सक्राइबर जो है मुस्कान ठाकुर, हमारी छोटी बहन ही है वो भी। तो अगर वो व्लॉग देख रही है तो थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू। और क्या बताएं आपको, और सब बढ़िया। माइक लग गया, डायरेक्शनल माइक लग गया, पता नहीं यार चल भी रहा है कि नहीं चल रहा, ये कैसे पता लगेगा। चलो कोई नहीं, वो बाद में देखते हैं, तो मिलते हैं अभी आपको थोड़ी देर में। तो इधर हमारे हनुमान जी भी जा रहे, ये भी बोल रहे हैं कि सभी को ले ही जा रहा, मेरे को नहीं ले रहा। ले लो जी, आपको भी ले लिया, ऐसी कैसी बात है। और बाकी तो आपने जैसा कुछ देखा ही हुआ है, पीसी अपना चल रहा था, बाकी चल चला के देखना तो था ना कि अभी चल भी रहा है कि नहीं। तो एक बार शीशे में भी देख लो, मतलब यहाँ पर तो मैं काला आ रहा हूँ, यहाँ से लाइट नहीं आ रही। ये देखो ये आ गई लाइट, ये फ़ायदा कैमरे का, मतलब आपको ये काला नहीं होने देता ज़्यादा देर के लिए। और ये रही अपनी पूरी व्लॉग किट, माइक, कैमरा, ट्राइपॉड और तुम्हारा भाई। हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई, हम उठ गए, ऋतिक उठ गया, सभी उठ गए, और टाइम हो रहा अभी 9:07। देखते हैं क्या आता बाहर, भाई साहब धुंध ही बढ़ी है, दिखाते हैं आपको। और देखो मतलब लाइट का कोई आता पता ही नहीं है, धुंध ही बड़ी सारी पास। अरे मम्मी, मम्मी जी क्या कर रहे हो? परांठे बना रहे हैं। मम्मी जी परांठे शरोठे बना रहे हैं और खाएंगे और मज़े से। सॉरी दरवाज़ा रह गया, नहीं तो दरवाज़ा बंद कर देते हैं तो हवा चल जाती है अंदर। बाबू जी बाकी अभी दिन पड़ा है, देखते हैं क्या। ये देखो मतलब धुंधी धुंध है हर साइड पे, जरा भी लाइट नहीं आ रही अभी तक कहीं से। ये ऋतिक आई कार्ड देखना, मतलब ये स्टार देखो बोल देगा, है तगड़ा ना। और ये रात को खा खा के मूंगफलियाँ ये हाल कर देते हैं हमारे यहाँ पे। एक और नीचे पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है। ये बंदा पता नहीं किस मिट्टी का बना, इसको ठंड नहीं लगती बंदे को। ये देखना ऊपर से टी शर्ट डाली, नीचे से कैपर डाली, क्या स्टील बॉडी कलर, तो स्टील को ठंड नहीं लगती क्या? ना क्यों लगती, स्टील आप ठंडा आया तो उसको ठंड नहीं लगती। अच्छा जी ठीक है, आपकी बात मानी जाएगी। अखबार आ गई है तो देखते हैं, कोई आपके लिए कोई अच्छी सी न्यूज़ है तो आपको जरूर दिखाते हैं, अगर मिलती है तो। कोई बड़ी ऐसी कोई सोच, कोई हंसी वाली बात, कुछ मज़ेदार। तो आप यहीं पे बड़े रहते हो, क्या बना रहे हो? जीमी कांद और मटर बना रहे हैं मम्मी जी। अच्छा तो फिर तेल क्यों बोल रहा है? अच्छा इसको पहले वो करते हैं ना, तलते हैं। ये रहे जीमी कांद, अगर खाए हो तो फिर तो पता ही होगा, अगर नहीं पता तो फिर हम बता। बाकी तो फिर आपको पता ही है कि भाई तुम्हारे की नॉलेज बहुत ज़्यादा है। तो पहले मंदिर कपड़ बंद कर देते हैं, क्योंकि ऐसे टाइम ज़्यादा हो गया, 11 बज गए हैं। तो एक बार धन्यवाद हमारे भोलेनाथ जी, जिन्होंने हमको कैमरा लेके दिया,
वैसे तो कृपा तो आपकी थी ना फिर, बाकी तो चलो बढ़िया ही था काम। चलो आप अब रेस्ट करो, कपट को बंद किया जाए ताकि। जय भोले शंकर। मौसम तो आप देख ही सक रहे हो कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है, यहाँ हवा चल पड़ी है, ये पत्ते हिल रहे हैं यहाँ पे जी। तो यार अब आपको एक चीज़ बताने लगा हूँ मैं, गौर से सुनना, समझ आए ना, गौर से सुनना। बात ऐसी है कि अभी लगा ली हमने वैक्सीन, जो सेकंड वाला सेकंड पार्ट था उसका, जो सेकंड डोज थी वो लगा ली। मैं गया था किसी के साथ काम पे, मतलब काम पे नहीं, किसी के साथ, किसी को काम था हॉस्पिटल में, तो उधर के वहाँ पे मैंने देखा कि टीकों की लाइन लगी हुई। ओए मेरा टीका मतलब दुख रहा है, तो टीकों की लाइन लगी हुई थी। अपन ने सोचा कि अपन भी बीच में घुस जाता है तो इतनी लंबी, इतनी लंबी लाइन। तो फिर मैंने सोचा, पापा से पूछा, पापा कहते हैं टीका लगवाना तो है ही है, आज ही भी लगवाना है, कल भी लगवाना है, तो लगवा ले। फिर मैंने फ़ोन काटा तो फिर मैं चले गया, पहुंच गया, टीका टूका लगवा के आ गया। वैक्सीनेशन मतलब अपनी सेकंड डोज भी हो चुकी है और अपन अब ऑल गुड है। बाकी ये देखो ऊपर से बारिश नहीं गिर रही थी, मतलब कि चिक्कड़ गिर रहा, चिक्कड़ ये नज़र आ रहा है, बाइक पर दिखाता हूँ आपको, देखना अभी। मतलब ऊपर से बारिश गिरती है, ये तो सुना होगा, ऊपर से चिकड़ गिरता है। ये देखो ये जो छिट्टे पड़े हैं ना सारे, ये सारे के सारे ऊपर से आए हैं, और ये तो मैंने अपनी पैंट के साथ साफ़ कर लिया था। मतलब कि अभी तुम्हारा भाई वैक्सीनेटेड हो चुका है, गो कोरोना, फिर भी अभी तक गो कोरोना, क्योंकि आगे से आगे नई नई चीज़ें ऊपर की निकली जा रही हैं। कभी बोल रहे हैं कि ये वाला वेरियंट आया, कभी वो वेरियंट आ गया, प्रावन की क्योंकि वेरिएंट ही नहीं मुक रहे एक तो। चलो अपन आते आते रास्ते से न्यूट्रीकूल चले के आए थे, अपन वो खाएंगे और बाकी सब देखेंगे, अपन मज़े से खाएंगे, आपको दिखाते हैं। रखो किसी घर के हमारा कोई कोना ऐसा नहीं होगा जहाँ पे ये चीज़ नहीं आपको मिलेगी, मतलब जिधर जाते हैं वहीं पे बैठ जाते हैं मूंगफली उठा कर। तो ये कुछ लेके आए हैं, अभी तो सब कुछ पैक है, खाएंगे मज़े से यार। वैक्सीनेशन लगा, भूख तो लगी रही ना, भूख तो लगेगी, तो फिर हम ऐसा ऐसा लंगड़ा भंगड़ा खाएंगे। घर वाले बोले कुछ अच्छा खाओ, पर हम अच्छा नहीं ना खाएंगे, हम ऐसा कुछ खाएंगे जिसमें हमें मज़ा आएगा। तो फिर ऋतिक को बुलाएगा, ऋतिक थोड़ा बहुत खा लेगा, बाकी 120 FPS देखो ऐसे करके 120 FPS देखोगे तो देखो फिर। खाना स्टार्ट कर दिया, ये देख लो फटाफट धड़ाधड़ लगा हुआ है यहाँ पे, देख लो अच्छे से। बाकी 120 FPS भी देख लिया, नॉर्मली भी देख लो ना, ऐसे अच्छा लगता है। मिलते हैं आपको ये सब कुछ ना रगड़ के खा पी के, पर बाजू दर्द तो नहीं होगी, स्टार्ट अभी से स्टार्ट हो गई है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे करंट नहीं अंदर घुस रहा होता है, तलबली मचनी स्टार्ट होगी। मतलब ऐसे मेरे को तो यही फील हो रहा है कि मेरी बांस सूज गई हुई, लाइक स्वेलिंग नहीं होती। चलो देखते हैं अभी आगे आगे क्या होता है। हाँ जी, तो यार वैक्सीन लगाई, वैक्सीन ही तो यार ऐसे हालत कर दी जैसे मतलब हो चुका था। मतलब इतना दर्द हो रहा हाथ, और ऊपर से सुस्ती, लोगों को चुस्ती आती है, मेरे को सुस्ती आ रही है, मेरे साथ सबको उल्टा ही होता है ना। मतलब कई बंदे ऐसे थे जिन्होंने मेरे को बोला कि हमने टीका लगवाया और हमारे में तो ऐसी ताकत आ गई जैसे घोड़े की तरह ताकत आ रही है, हम तो दिल कर रहा है कि भाग ही जाए भाग ही जाए। मैंने वैक्सीन लगाई, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं सो ही जाऊँ सो ही जाऊँ। मतलब थकान सी हो गई है, शायद वो इसलिए हुई कि धीरे धीरे खड़े रहे, लाइन बहुत लंबी थी जहाँ टीका लगवाने, वहाँ पर कम से कम 250 बंदा था मेरे आगे, तो शायद उस करके भी थक गया शायद, पक्का नहीं पता। बाकी तो भाई साहब जैसे मेरे वहाँ पर टीका लगा, मेरे पे करंट चला ऐसी जस करके, जैसे करंट लगता ना इसी बंदे को, ऐसा सिस्टम हो गया। तो घर आया तब तक ठीक था, खाया पिया सब ओके था, खाने के 15-20 मिनट बाद ना यहाँ पे दर्द ने स्टार्ट ही, और दिल करे कि बस अब लेट जा, कुछ मत कर, बस आराम से लेट जा। तो ठीक है फिलहाल के लिए यार, अभी देखते हैं क्या करना है। मम्मी
डैडी आए, डैडी गए थे सैर सूर करने, डैडी पतले हो रहे हैं यार। हैं आपने किधर जाना पतले हो, बताओ एक बार। हमने तो ड्यूटी पे जाना। ये मेरी मम्मी है, गोलू मोलू तो यार कोई दवाई दवाई दे दो मेरे को, दे दो यार बच्चे को दवाई दे दो। पैरासिटामोल है? पैरासिटामोल दे दो मेरे को। दे देते हैं भाई। हाँ ये देखो अभी सैर करके आया, अभी बूट उतार रहे हैं जराबे जरूबे। हमारे को हो गए पता नहीं कितने दिन हो गए हमारे को, तो सोचते कोई हम सोचते रहते हैं, ये पतले होते रहते हैं। तो अभी यार मतलब थोड़ा थोड़ा बुखार हो रहा था ना उस टाइप का, तो मेरी मम्मी और बोला भाई दवाई दे दो यार। मतलब पहले तो मैंने सोचा था कि दवाई नहीं खाऊंगा तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, कि जो पिछली बार वैक्सीन लगाई थी ना तब इतना फ़र्क नहीं पड़ा था। तब जस्ट ऐसे हुआ था कि थोड़ा बुखार हुआ था, मगर इस बार तो ऐसा जो शरीर टूट नहीं रहा होता, पता ही नहीं यार होते नहीं क्या हुई यार। देखेंगे। हाँ जी, अरे चीज चिल्ली बनाने की मेरे में हिम्मत ही नहीं है यार, मैं चीज चिल्ली क्या बनाऊंगा, मेरा चीज चिल्ली बना हुआ आज तो मटर चिमिकंदी खा लेंगे ओके सोखे आज, कल ठीक हो गया तो कल बना लेंगे है ना भी चीज चिल्ली, आज तो हलती नहीं है। आज तो ठुस, आज तो जैसे फटा गुब्बारा के फूला गुब्बारा के ठुस धीरे धीरे वह निकलती है ना, मेरी एकदम से निकल ठुस करके निकल चुकी हुई है। तो बाकी मैं तो वैसे यही सोच रहा हूँ कि व्लॉग एंड कर दूँ, मगर अभी कैमरे में बना रहा हूँ तो यहाँ भी साला पता नहीं लगेगा कि कितने टाइम की बनी कितने टाइम की नहीं बनी है। बनाए जाते हैं क्योंकि ऐसे ना आज पहली बार कैमरे से वीडियो डालनी है तो प्रोसेस यूट्यूब पे प्रोसेसिंग में भी टाइम लगेगा और पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, अभी एडिट भी करनी है, देखते हैं अभी क्या करते हैं। थोड़ा दवाई दवाई खा लेते हैं फिर देखते हैं क्या करना। बाकी ऋतिक ट्यूशन चला गया, तो जब तक ऋतिक नहीं आता दिल भी नहीं लग रहा यार, पता नहीं करोने ने दिमाग पे असर कर दिया मेरे को लगता है, दिल भी नहीं कुछ करने को कर रहा ना। एक्चुअली ना बाहर ना ठंड हो चुकी है तो आज धूप भी नहीं निकली, तो ठंड के कारण थोड़ा वैसे भी बंदा सुस्ता सो रहता ही है यार। तो यह काम करते हैं, गाने गुने सुन लेते हैं, टाइम तो पास करना ही है ना, अभी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि ऋतिक के साथ में होता है ना तो थोड़ा टाइम निकल जाता। मेरा हाथ दुख गया, करुणा तेरी जय। मतलब अब कैमरा है ना, कैमरा भारी होता है यार, अब पता लगता बस देखने में लगता है कि निक्का सा छोटा सा मगर भारी है भारी। वेलकम वेलकम, ऋतिक आ गया दवाई लेके। कैसी रही ट्यूशन? अच्छी है। अच्छी क्या होती है, ट्यूशन तो अच्छी होती है यार भाई। भाई दवाई खा लो न तो बीमार। कईयों को दवाई खाने नहीं आती यार, कई दवाई खाते हुए डरते हैं। मैं नहीं डरता ना, मैं टीके से डरता हूँ ना, मैं दवाई से डरता हूँ, बस बीमार होने से डरता हूँ बस, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तबीयत तो खराब हो जाए ना तो सारे काम रह जाते हैं। भाई पढ़ रहा है, भाई पढ़ रहा है। तो फाइनली ये देखो आपको दिखाते हैं यार, देखो मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, देखो 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 भाई तुम्हारा एडिट कर रहा है, ये देखो ये हनुमान जी। मैं यूज़ करता हूँ डविंची, आज से डविंची स्टार्ट कर, मैं करता तो पहले भी था स्टार्ट में, मगर अब जब कैमरा आ ही गया तो फिर प्रोफेशनल बना ही जाए, क्यों ना प्रोफेशनल क्यों ना बने, बन जाएंगे कि इसमें क्या बात है। मेन अभी देखो काटनी जोड़नी वो सब आता है, वो पहले भी मैं कर लेता था, मगर वैसे क्लैरिटी नहीं थी मेरे पास, अब क्लैरिटी है, कंप्यूटर है, बस अभी एक चीज़ रहेगी वो थोड़े दिनों में भी हो जाएगा, फिर तो मक्खन काम होगा कंप्यूटर का भी और एडिटिंग का भी। मगर ये रैम रहेगी इसकी, रिक्वायरमेंट है रिकमेंडेड है कि 16 GB हो,
मगर इसमें सिर्फ 6 GB है, तो थोड़ा अभी थोड़ा सॉरी नहीं 8 GB है, तो थोड़ा अटक रहा है वो। थोड़ा मेरे को पेशेंस रखना पड़ता है, मेरे को हर चीज़ में पेशेंस रखना ही पड़ता है। कोई चीज़ ऐसी जिसमें मेरे को पेशेंस ना रखना पड़े, मगर नॉट अ प्रॉब्लम, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो बाकी जी, तो जैसे हमने कल किया था व्लॉग का, जैसे व्लॉगिंग स्टार्टिंग की थी उसी तरह हम व्लॉगिंग व्लॉग का एंड कर देंगे। तो एक्चुअली में ना इसका जो वो ट्राइपॉड था ना वो गुम हो गया, पता नहीं कौन उठा के ले गया, तो वो मिल नहीं रहा, तो इसलिए मैंने इसको CPU के ऊपर टका के रखा है ताकि व्लॉग का एंड करते हैं। तो भाई आ जाओ व्लॉग का एंड करें यार, ये तो खाना भी खाने लग गया यार। ठीक है यार मैं ही कर देता हूँ। ठीक है तो मेरे भाई बंधु, अगर यहाँ तक पहुँच गए हो मेरे अंदर, मतलब कि मेरा न्यू अपग्रेडेशन अच्छा लगा है, भाई की आवाज़ आपको भी अच्छी आ रही है, वीडियो क्वालिटी वीडियो क्वालिटी अच्छी आ रही है, तो यार अगर तो पुराने हो फिर तो लव यू, थैंक यू यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए। और अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कोई रिकमेंडेड नहीं है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं इन नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए सारे सभी सुखी रहे, शांति में रहे, लड़े झगड़े ना, और फिर मिलेंगे चलते 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 इन आर नेक्स्ट व्लॉग। और यार मैं आज ऐसे ऐसे नहीं कर सकता क्योंकि यार टीका दर्द हो जाता है। तो मिलते हैं इन आर नेक्स्ट व्लॉग कल, आई होप सो व्लॉग अच्छा होगा क्योंकि अब नया नया है, तो यार मेरा व्लॉग ही नहीं खत्म हो रहा यार, कैमरे की खुमारी है यार ये। चलो यार बाय बाय टाटा, यहाँ तक पहुँच गया सब्सक्राइब करके जरूर जाना।